ओके, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे देखो, हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे अलग जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। तो पढ़ा भी है मतलब। सो देखो, इसके नोट्स मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं भेजे थे, तो ये पूरा कंप्लीट जब टिश्यू हो जाएगा, मतलब सिंपल और परमानेंट दोनों पूरे हो जाएंगे, तो बेटा इसके हम लोग नोट्स जो है, मतलब ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं लिख रहा हूँ, आपको भेज देता हूँ, ठीक है। नाउ देखो, परमानेंट टिश्यू का क्या मतलब है? परमानेंट टिश्यू का मतलब है कि ऐसे टिश्यू जो क्या कर सकते हैं डेफिनेटली, है ना, ऐसा टिश्यू क्या करेगा बेटा, जो डिवाइड नहीं होते, सेल जिनके डिवाइड नहीं होते, और ये हमेशा प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टेम से बने हुए हैं, मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम से बने हैं। मतलब परमानेंट टिश्यू के अगर हम देखें ना, तो दो टाइप हो सकते हैं ओरिजिन के हिसाब से। ओरिजिन के हिसाब से क्या टाइप हो सकते हैं? एक होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू और दूसरा होगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन प्राइमरी मेरिस्टेम से होता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का ओरिजिन सेकेंडरी मेरिस्टेम से होता है। एनीवे, बट वो उस तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं नहीं, हम लोग करते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है परमानेंट टिश्यू के, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं परमानेंट टिश्यू का। तो बेटा वही जो क्राइटेरिया है, वही चीज अगर हम लोग देखें, तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे बच्चों पैरेन्काइमा, पोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह से जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू को पढ़ रहे हैं। इसका एक और दूसरा टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिनमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, वो हम लोग थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। राइट नाउ देखो, मैंने यहाँ पे लास्ट क्लास में बताया था कि पैरेन्काइमा एक टिश्यू है, इसको हम लोग कहते हैं कि फिलर टिश्यू है। अगर आपको कभी कोई पूछे कि प्लांट्स में सबसे पहले कौन से टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, तो आंसर आता है कि सबसे पहले पैरेन्काइमा का ही फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर आपसे ये कोई पूछे कि प्लांट्स में जो भी परमानेंट टिश्यू हमें दिखते हैं, तो ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, मतलब ब्रायोफाइट से शुरू होते हैं, तो कौन से प्लांट से, मतलब कौन से प्लांट के ग्रुप में सबसे पहले, क्या एल्गी में पैरेन्काइमा होता है? तो आंसर है नहीं, एल्गी में पैरेन्काइमा नहीं होता, ठीक है। ब्रायोफाइट में जो आप गैमेटोफाइट पढ़ते हो, वहां से बेटा पैरेन्काइमा की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। एनीवे, जैसे कि यहाँ पे देखो, सेल्स आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, मे बी स्पेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड, इस तरह के पॉइंट हमने पहले भी पढ़े हैं, ठीक है। इनका सेल वॉल हमेशा थिन होता है, थिन सेल वॉल, सेलुलोज से बना हुआ सेल वॉल, और ये सेल्स लिविंग होते हैं, लिविंग सेल है ना, प्रॉपरली एक्टिव प्रोटोप्लाज्म इनका होगा। पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है, और इनमें देखो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, देखो इनके बीच में कभी कभी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं भी होते, तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस है ना मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है। एनीवे, सो हम लोग आगे बढ़ाते हैं कहानी बच्चों। कहानी बड़ी सिंपल है ना, क्या है देख लो, यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वन थिंग कि ये कहाँ पाए जाएंगे, वेयर दीज पैरेन्काइमा आर फाउंड। सो पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स, हर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर ऑर्गन में पैरेन्काइमा होगा, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गन्स, ठीक है। देखो, मैं जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना, कि जहां पे भी खाली जगह मिलेगी, जहां पे भी स्पेस रहेगा, जहां पे कोई दूसरा टिश्यू नहीं है, वहां पे पैरेन्काइमा होगा, ठीक है, वहां पे सेल्स भर जाएंगे कंप्लीटली, इसको फिलर टिश्यू कहते हैं।
ठीक है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि पैरेन्काइमा इज इट इज मोस्ट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट एंड कॉमन टिश्यू ऑफ प्लांट, है ना, मोस्ट अबंडेंट एंड कॉमन टिश्यू ऑफ प्लांट। तो ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है ना, मोस्ट अबंडेंट एंड कॉमन टिश्यू है प्लांट का। ठीक है, नाउ इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब जिस तरह से इसका लोकेशन होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू जहां पे भी सिचुएटेड होगा, वैसा बेटा ये फंक्शन कर सकता है। ठीक है, वेरियस फंक्शंस इट कैन परफॉर्म। ठीक है, वेरियस फंक्शंस, है ना, क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे देखो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, अगर क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर प्रेजेंट है तो बच्चों फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज तो बिल्कुल करते ही है, जो कुछ भी जमा होता है प्लांट सेल का वो इसी में जमा होता है, सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, तो जो भी लेटेक्स है, गम है, रेजिन है, इनका अगर सिक्रीशंस करने हैं तब भी बेटा यही सेल्स आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप है, जैसे कि देखो हम लोग कहते हैं ये एक टाइप है ना, यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं बच्चों एरेनकाइमा। एरेनकाइमा का क्या मतलब होता है, कैन एनीवन टेल मी, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ। ठीक है, एरेनकाइमा क्या चीज होती है बताओ। ठीक है, ये पैरेनकाइमा का टाइप है, दिस इज व्हाट द पैरेनकाइमा टाइप, बट इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है, द इंटरसेलुलर स्पेसेस, द इंटरसेलुलर स्पेसेस, सॉरी इंटरसेलुलर स्पेसेस वाइडन एंड फॉर्म एयर कैविटीज। ठीक है, तो बेटा ये एयर कैविटीज बना देते हैं, ठीक है, वाइड हो जाएंगे और एयर कैविटीज बनाते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली, है ना, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मतलब एयर कैविटीज बना देते हैं। ऑब्वियसली इसका क्या काम है भाई, ठीक है, ये गैसेस एक्सचेंज करने में मदद करेगा इन हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एंड बायोंसी इन हाइड्रोफाइट्स। तो देखो जो हाइड्रोफाइट्स है, खास करके फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट जो होते हैं, उनके लीव्स में इस तरह के बेटा आपको एरेनकाइमा देखने को मिलते हैं, ताकि वो हल्के रहे, पानी के ऊपर तैर सके, फ्लोट हो सके। ठीक है, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, और ऑब्वियसली बेटा जहां पे भी ओपनिंग होगी, मतलब वहां पे वो गैसेस एक्सचेंज भी बहुत प्रॉपरली कर सके, ये इसीलिए जो है वो मतलब ये फ्लोटिंग में मदद करते हैं, बायोन्सी जो होती है ना, फ्लोटिंग में मदद करते हैं, एज वेल एज इट विल हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज। तो दो चीजें बेटा एरेनकाइमा में आपको देखने को मिलती है। मतलब डायग्रामेटिकली अगर ड्रॉ करें तो देखो ये कुछ सेल्स मैं बना लेता हूँ, है ना, दिस टाइप, दिस वे द सेल्स आर। नाउ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे बेटा ये सारे पैरेनकाइमा सेल्स है, ऑल दीज आर, और ये जो है बेटा दिस इज देयर एयर कैविटी। तो इन सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं लीव्स में, खास करके आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग, ये मॉडिफाइड पैरेनकाइमा है, इसको हम लोग कहते हैं पैरेनकाइमा। ठीक है, करेक्ट है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके साथ साथ बेटा दूसरा एक पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा इसको आप आराम से समझ सकते हो, क्लोरेनकाइमा का क्या मतलब है कि जब पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है, सो ऑब्वियसली दे हैव क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और डेफिनेटली जिस ये जो क्लोरेनकाइमा है जिसमें अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली क्या परफॉर्म करेगा, है ना, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, बराबर है।
यही बेटा बस नॉर्मल पॉइंट है जो हमें समझना है। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, है ना, इसमें कोई बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है। तीसरा मुद्दा हो सकता है, जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो इलॉन्गेट हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये इलॉन्गेट होते हैं, मतलब लॉन्ग लॉन्ग इलॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे समय में हम लोग पैरेन्काइमा को एक अलग ही नाम देते हैं, जैसे कि हम लोग कहते हैं, ठीक है, प्रोसेनकाइमा, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड द प्रोसेनकाइमा, ठीक है। नाउ ये जो प्रोसेनकाइमा होता है इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दी सेल्स आर, इसमें जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू में, सेल्स आर इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड एंड हैव थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। अभी थिक सेल वॉल मतलब एकदम बाकी जो प्लांट है स्क्लेरेन्काइमा वगैरह में जितना थिक होता है वो इतना नहीं, बट बाकी पैरेन्काइमा में जितना थिक होता है उससे थिन होता है, उससे थोड़ा बेटा है ना जाड़ी स्केल हो सेल वॉल होता है इनका। तो सेल वॉल जो है वो इसका थोड़ा थिक होता है, ये इलॉन्गेटेड होते हैं, दे आर इलॉन्गेटेड एंड दे आर, है ना, उनका थिक सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड दे गिव इट प्रोवाइड, दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो बेटा ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे कि देखो आप लोग जाइलम फ्लोएम में भी देखते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, अभी फ्लोएम पैरेन्काइमा मतलब फ्लोएम में जो पैरेन्काइमा होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, क्योंकि उनका काम ये है कि वो मैकेनिकल सपोर्ट भी करे, बाकी जो कंडक्टिंग टिश्यू है ये है, वहां पे स्क्लेरेन्काइमा भी सपोर्ट करता है, बट वहां अगर पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो वो भी बेटा थोड़ा सा रिजिड होगा, थोड़ा सा, है ना। बट ये नोटिस करो कि ओवरऑल पैरेन्काइमा इज अ लिविंग टिश्यू, पैरेन्काइमा क्या है बेटा, लिविंग टिश्यू होता है, दैट इज द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये हैं बहुत सारे मुद्दे हो गए पैरेन्काइमा के बारे में राइट नाउ, ओके। सो उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड जो हमारा जो टाइप है, ठीक है, सेकंड जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा के बाद में, दैट इज द कोलेनकाइमा। नाउ देखो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये जो वर्ड है बेटा ये वाला, ये है क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा ये पैरेन्काइमा का टाइप, ठीक है। कोलेनकाइमा इज डिफरेंट, कोलेनकाइमा इज डिफरेंट, ठीक है। देखो ये हमेशा इनके एक पॉइंट हमेशा याद रखो, कोलेनकाइमा एक्चुअली कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, ये जो होते हैं बेटा दे आर ऑलवेज ऑकर इन, ऑलवेज ऑकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस, लेयर्स बिलो बिलो द एपिडर्मिस, मतलब जो बाहर की त्वचा होती है ना, चाहे रूट हो स्टेम हो, है ना, वहां पे हम लोग देखते को मिलता है, तो वो हमेशा एपिडर्मिस के नीचे होता है, बिलो द एपिडर्मिस, बिलो द एपिडर्मिस को हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस, ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस में वो हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। So occurs in a layers below the epidermis only in, but remember, यहाँ पे है ना in dicot plants, जो dicot plant में है, मतलब देखो monocot plant में कोलेनकाइमा नहीं मिलेगा उसके hypodermis में, ठीक है, सिर्फ dicot plant में ही बेटा ये कोलेनकाइमा देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है कोलेनकाइमा occurs only in dicot, हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, found in, found only in dicot plants, ठीक है, not in monocot। तो ये monocot plant में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलते कोलेनकाइमा। Now इसके बारे में अगर बात करते हैं definitely कि ये मतलब actually dicot plant में कौन से organs में पाया जाता है, क्या ये सारे organs में होता है क्या, मतलब क्या seed में भी पाया जाता है क्या। So, देखो डाइकॉट प्लांट में दे आर एक्चुअली फाउंड इन
फाउंड इन बिलो द एपिडर्मिस, तो हमने लिखा ही है बिकॉज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे जो होते हैं है ना, वो हमेशा पाए जाते हैं कोलेनकाइफा, बट दे आर एक्चुअली फाउंड इन द पेटियोल, पेटियोल मतलब जो लीफ स्टॉक होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा बेटा, पेटियोल में, ठीक है, लीव्स में, लीव्स में होगा एंड स्टेम, ठीक है, आप देखो पेटियोल, लीव्स एंड स्टेम, ठीक है, बट अब्सेंट इन मोनोकॉट, यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देखो, बट अब्सेंट इन मोनोकॉट, ये मोनोकॉट में कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज अब्सेंट इन दी मोनोकॉट, ये बिल्कुल क्लियर करो, है ना, डाइकॉट में भी पेटियोल में, लीव्स में और स्टेम में ही मिलता है, स्टेम में मिलता है। इसका मतलब मैं आपसे पूछना चाहूं कि क्या वो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है बेटा बट अब्सेंट इन मोनोकॉट, अब्सेंट इन मोनोकॉट एंड इन रूट्स, ठीक है। अब ये रूट्स किसके हैं, डाइकॉट प्लांट के, तो रूट जो डाइकॉट की रूट है उसमें भी बेटा कोलेनकाइमा होता ही नहीं है, क्योंकि गरज ही नहीं है वहां पे, है ना, क्योंकि आपको फंक्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार इसका रूट में कोई रोल है नहीं, ठीक है, रूट्स में ये है ना, तो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ देखो इसमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले है कि दे आर लीविंग, ठीक है, मतलब ये पूरे के पूरे सेल लीविंग है, इसका मतलब है एंटायरली जो कोलेनकाइमा है वो लीविंग टिश्यू है, कोलेनकाइमा इज ए लीविंग टिश्यू, दैट्स इट सिंपल, ठीक है। अब इसमें देखो सेल्स कंसिस्ट ऑफ क्या होगा इसमें, ठीक है, थिक, यहां पे आपको देखने को मिलेगा थिक और थिकेंड सेल वॉल एट कॉर्नर्स, थिकेंड सेल वॉल्स एट कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस, एमी सेलुलोस, एंड पेक्टिन। नाउ देखो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी सेल्स के बारे में जो शेप होता है इनका, इनका जो शेप होता है वो कैसा हो सकता है। देखो द शेप कैन बी ओवल, द शेप कैन बी स्फेरिकल, ओके, और पॉलीगोनल, ठीक है, एंड ऑफन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एंड दे मोस्टली कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखो ये भी बेटा फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, बट इनको कोलेनकाइमा नहीं कहते, क्लोरेनकाइमा नहीं कहते, इनको कोलेनकाइमा कहते हैं, ठीक है, तो दे आर नॉट क्लोरोन क्लोरेनकाइमा, दे आर द कोलेनकाइमा, बट इनमें भी आप ग्रीन स्टेम देखोगे, एकदम छोटे छोटे ग्रीन स्टेम होते हैं, छोटे हर्बेशियस प्लांट, उनके स्टेम आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, है ना, तो अगर वो ग्रीन दिखाई देते हैं तो उनका जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल उनकी जो ऊपर की त्वचा है एपिडर्मिस, उसके नीचे की जो सेल्स की लाइनिंग है हाइपोडर्मिस, वहां पे बेटा आपको कोलेनकाइमा में क्लोरोप्लास्ट है ना मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। सो नाउ देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा टिश्यू है ना, ये डाइकॉट प्लांट में हमें डेफिनेटली बेटा देखने को मिलता है, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, इसके ऊपर सेलुलोज का सेल वॉल है, बट हम लोग बोलते हैं सेल वॉल इज इररेगुलरली, सेल वॉल इज इररेगुलरली थिकेंड, ठीक है, मतलब अगर आप ऐसा ड्रॉ करोगे ना, दिस इज व्हाट द व्हाट वी कैन सी। अब देखो ये सेल्स इलॉन्गेटेड भी होते हैं, अगर इलॉन्गेटेड है तो बेटा उनके ब्लंट एंड होते हैं,
ठीक है, द सेल्स कैन बी इलांगेटेड विद द ब्लंट एंड। ठीक है, अगर आप इनका सेक्शन लोगे तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से आपको एक राउंड देखने को मिल रहा है, ये दूसरा एक सेल है बेटा, ये राउंड है, ये तीसरा है, ये देखो ये इस तरह से है। तो इनका अगर हम लोगों ने ट्रांसवर्स से ना सेक्शन लिया तो हमें ये सारे जो सेल्स है ये सारे इस तरह से बेटा राउंड दिखाई देंगे। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ शुरू होती है। इनके जो सेल वॉल है देखो, अभी स्क्वार्डर पे यहाँ पे सेलुलोज जमा हो जाएगा, यहाँ सेलुलोज जमा हो जाएगा, यहाँ सेलुलोज जमा हो जाएगा, यहाँ ज्यादा सेलुलोज और हेमी सेलुलोज जमा हो गया। तो आप अगर देखोगे तो इनके कॉर्नर जहाँ पे खास करके इंटर सेलुलर स्पेसेस के बाद बाजू में जो कॉर्नर्स होते बच्चा, ये वाले कॉर्नर जो है इनके ऊपर आपको है ना सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन ये सब जमा होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इनकी सेल वॉल बीच बीच में कैसी होती है, थिन होती है, और है ना बीच बीच में मतलब कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, सो इसीलिए ये जो सेल्स है ना, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कि दे आर इररेगुलरली थिकेंड। इररेगुलरली मतलब कहीं पे थिक है कहीं पे थिन है। इस तरह से आपको ये जो सेल्स है देखो, इनके जो थिकनिंग होते हैं उसके हिसाब से भी बेटा हम कोलेनकाइमा का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, कोलेनकाइमा का क्लासिफिकेशन हो सकता है विथ रिस्पेक्ट टू थिकनिंग, जितना थिकनिंग इनमें होता है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के कोलेनकाइमा हो सकते हैं, जैसे कि लैक्यूनेट और एंगुलर कोलेनकाइमा, इस तरह से हम लोग उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बट वो ज्यादा हो जाता है, बट याद रखो जब भी वो सेल इलांगेटेड होंगे, अब ये सपोज इलांगेटेड है ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द इलांगेटेड कोलेनकाइमा, द इलांगेटेड कोलेनकाइमा हैव ब्लंट एंड, ब्लंट एंड्स। ठीक है, अगर आप ये एंड देखोगे ये वाला और ये वाला, तो एंड जो होते हैं इनके ये ब्लंट होते हैं, मतलब एकदम शार्प नहीं है, शार्प पॉइंटेड टैपरिंग बिल्कुल भी नहीं होते। तो इस तरह से कोलेनकाइमा हमें देखने को मिलता है। कोलेनकाइमा एक सिंपल टिश्यू है, ज्यादा करके यंग प्लांट्स में है ना, हर्बेशियस प्लांट्स में ये आपको डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलते हैं। इनका दोनों ही काम हो सकता है, फिजियोलॉजिकल एज वेल एज मैकेनिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब बेटा फोटोसिंथेसिस करने में भी मदद करते हैं, और मैकेनिकल मतलब सपोर्ट देते हैं। ठीक है, देखो ये ऑब्वियसली क्या है बेटा, है ना, फंक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन दे प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है, देखो अगर बहुत तेजी से विंड फ्लो होगा है ना, बहुत तेजी से अगर बेटा हवा चलती है, तो आपने नोटिस किया होगा कि पेड़ जो है बहुत हद तक रेजिस्ट करते हैं, मतलब एकदम से बेंड होकर के टूटते नहीं है। ठीक है, बेंड नहीं हो जाते, दे जस्ट शो यू दैट इलास्टिसिटी, वो पूरा झुकेंगे। ठीक है, एक साइड में दूसरे साइड में जहां से एयर आ रही है बिल्कुल है ना, दे विल बेंड बट दे विल नॉट ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये ना तो बहुत ज्यादा रिजिडिटी देता है और ना ही बेटा एकदम से सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है, दैट इज एक्चुअली अ मैकेनिकल सपोर्ट, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, तो यहाँ पे बेटा ये कोलेनकाइमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे डेफिनेटली बेटा। ठीक है, अब यहाँ एक और मुद्दा है, क्या बेटा इनमें इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? यस, टेल मी एनीवन, इसमें इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट होंगे क्या? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यार इनकी जो गैप्स है वो इररेगुलर गैप जो है भर चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेटा नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द कोलेनकाइमा। तो आपको ये देखो याद रखना है कि जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मोस्टली ये जो है ये इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, क्लाइंबिंग जो स्टेम्स होते हैं उनमें बेटा ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो मोस्टली फाउंड इन क्लाइंबिंग
है ना, क्लाइंबिंग स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा, ठीक है, कुकुरबिटा जैसे प्लांट में, प्लांट के स्टेम में बेटा आपको ये बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली देखने को ही मिलेंगे, है ना। सो दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट द कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा लिविंग है या डेड टिश्यू है? लिविंग टिश्यू, लिविंग ठीक है। क्या कोलेनकाइमा में क्या बोलते हैं जिसको हम लोग बच्चों, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है? तो नो सर, आंसर नो सर, है नो, क्योंकि पहले होती है बट वो जहां जहां इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है वहां वहां वो सेलुलोज वगैरह डिपॉजिट होकर के पूरा वो इंटरसेलुलर स्पेसेस को गायब करा देते हैं, ठीक है। सो दैट विल हैपन। देखो अब इसके बेसिस पे ये जो है ना थिकनिंग कैसी होती है, इस बेसिस पे बहुत सारे इसके ना तीन चार टाइप है बेटा कोलेनकाइमा, बट हम लोग उसमें नहीं, बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट लीविंग दैट, ठीक है। तो कभी लगेगा आपको कि अब आप लोग एग्जामिनेशन में अभी है ना आता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो है ना थोड़ा सा हम अपने आप को भी लिमिट रखते हैं, ठीक है। एनीवे थर्ड वन इज देखो कोलेनकाइमा के बाद में आता है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसमें एक सबसे पहला बात तो आपको याद रखनी है कि ये कंप्लीटली डेड टिश्यू है, डेड है ना, ये कम मर जाता है, ठीक है, खत्म। तो स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स, ठीक है। इनमें देखो है ना हमें इंपॉर्टेंटली समझ में आना चाहिए कि इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉन्ग और नैरो सेल्स होते हैं, बट ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दे आर लिग्निफाइड, है ना, लिग्निफाइड है ना डेड टिश्यूज, ठीक है। तो ये जो भी स्क्लेरेनकाइमा होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं और डेड टिश्यूज होते हैं। अभी देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ट्रांजिशन आपको समझना है। ट्रांजिशन क्या है बेटा, देखो ये है पेरेनकाइमा गोल 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 गोल, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो है, अब ये देखो इसके ऊपर थीन सेल वॉल है, ठीक है, ये वही सेल है बेटा, ये देखो ये भी वैसा ही सेल बनाया, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिपोजिशन कर दिया, इधर डिपोजिशन कर दिया, इधर डिपोजिशन कर दिया, ये इस तरह से बेटा इरेगुलर थिकनिंग आ गया। तो ये है बच्चों कोलेनकाइमा, ठीक है। नाउ नोटिस करो कि ये और भी मॉडिफाई होगा, और भी मॉडिफाई होगा मतलब इसके बाहर के साइड में, मतलब देखो ये सेल वॉल है उसके ऊपर बाहर लिग्निन जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से सेल वॉल के ऊपर लिग्निन नाम का कंपोनेंट जमा होना शुरू हो जाता है, बट नॉट ओनली आउटसाइड, अंदर भी बेटा, इनसाइड भी बेटा लिग्निन जमा होना शुरू हो जाता है, इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म इनएक्टिव हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म विल बिकम इनएक्टिव, सेल विल डाई एंड इट बिकम्स अ रिजिड टफ सेल, ठीक है, अ डेड सेल। तो यहाँ हमें नोटिस करना है कि इसका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होता है बट लिग्निफाइड होता है, ठीक है। सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इनका जो ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन मतलब अंदर की जो कैविटी है, अंदर की जो कैविटी है बेटा नैरो कैविटी होगी, ठीक है, और जो सेल वॉल है वे ना थिक सेल वॉल आपको देखने को मिलेगा, वेरी थिक सेल वॉल, ठीक है। सो दे आर लिग्निफाइड डेड टिश्यूज, ये बात हमें बिल्कुल है ना अच्छे से समझ में रखनी है, ठीक है। इनके सेल्स लॉन्ग हो सकते हैं, बहुत इलॉन्गेटेड होते हैं विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली बेटा है ना इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड पॉइंटेड, नॉट ब्लंट, पॉइंटेड है ना, लिग्निफाइड, लिग्निफाइड थिक, लिग्निफाइड थिक सेल वॉल है ना, दैट्स इट। एंड इनएक्टिव प्रोटोप्लाज्म, इनएक्टिव प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म गया खत्म, ठीक है, मतलब ये सेल डेड है। ये सारी उसकी खासियत होती है, अगर है तो बहुत ज्यादा इलांगेटेड होते हैं, मतलब देखो लॉन्गेस्ट सेल्स अगर आप याद करोगे, लॉन्गेस्ट सेल्स देखो, ठीक है, एनिमल्स में तो हम लोग बोलते हैं कि नर्व सेल इज लॉन्गेस्ट सेल,
वेगस नर्व जो होती है व्हेल में, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट है सेल। बट यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि यार प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल कौन से हो सकते हैं, ठीक है, प्लांट्स के केस में लॉन्गेस्ट सेल कौन से हो सकते हैं, तो आंसर है बेटा स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। जो स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं दे आर वेरी वेरी लॉन्ग, ठीक है, तो ये दे आर है ना डेड विदाउट एनी है ना प्रोटोप्लाज्म, उनमें बिल्कुल भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म मतलब इनएक्टिव प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा। नाउ देखो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड डेवलपमेंट स्क्लेरेन्काइमा मे बी आइदर फाइबर और, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो टाइप देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, कौन कौन से हैं, एक को हम लोग कहते बच्चों स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और दूसरे को हम लोग कहते हैं बच्चों स्क्लेरिड्स, ठीक है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमें देखने हैं, फाइबर्स एंड द स्क्लेरिड्स, ठीक है, सो दीज आर द टू डिफरेंसेस दैट वी हैव टू स्टडी, ठीक है, तो हम लोग पहले मतलब दोनों ही चीजों को वन बाय वन देखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, तो नंबर वन कि फाइबर का क्या मतलब होता है और उसके बाद स्क्लेरिड्स का क्या मतलब होता है ये पढ़ना है। तो देखो फाइबर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये है वो सेल्स जो बहुत ज्यादा इलांगेटेड होते हैं, फाइबर जो है बेटा थिक वॉल्ड होंगे, थिक वॉल्ड elongated, they are elongated and point है ना, मतलब यहाँ पे आप देखो है ना and pointed cells, जो हमने बताया था वही है pointed cells, ठीक है, generally अगर आप इनके बारे में बात करोगे occurring in groups वो groups में पाए जाते हैं, कभी एक single fiber आपको प्लांट में एक जगह नहीं दिखाई देता, दे कैन बी फाउंड इन ग्रुप्स, ठीक है, अलग बहुत ज्यादा ग्रुप्स में वो देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये है पहला मुद्दा स्ट्रक्चरल पॉइंट, मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखो इफ वी ड्रॉ दिस वन, ठीक है, ये देखो इस तरह से हमें इलांगेटेड फाइबर बना लेना है, देखो ये है इस तरह से इलांगेटेड फाइबर, नोटिस करो कि इसके पॉइंट्स बिल्कुल है ना, मतलब जो एंड है बेटा वो टैपरिंग है, पॉइंटेड है लाइक दिस, ठीक है, सो दे आर हाईली इलांगेटेड सेल्स, बट समटाइम्स यू कैन सी दैट कि दे कैन हैव द सेप्टम हियर, सेप्टम है इसका सीधा मतलब बेटा कि देखो ये जो होता है एक ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब खाली कैविटी, उसमें कुछ भी नहीं है, जो था वो खत्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म है नहीं, दिस इज अ सेल वॉल हियर, ये सेल वॉल है, ठीक है, बट कैन यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस सेप्टम इज देयर, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू सेल्स, ठीक है, सो मेनी टाइम्स दे आर मल्टी सेलुलर ऑल्सो, ठीक है ना, सो है ना समटाइम्स वी कैन राइट डाउन समटाइम्स दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है, समटाइम्स हमेशा नहीं होंगे, बट पॉसिबिलिटी है कि दे कैन बी व्हाट वी कैन से दे आर मल्टी सेलुलर, उनके बीच में आपको ऐसे सेपरेशन देखने को मिलता है, ये स्टेटमेंट आपको सेप्टम वाला बिल्कुल बेटा आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, ठीक है, बट देखो इनका ल्यूमेन थोड़ा नैरो है, नैरो ल्यूमेन है, बट बहुत ज्यादा नैरो नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे क्या मतलब है इसका, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा वाइड ल्यूमेन, ठीक है, नैरो है, मैंने क्या कहा इनका ल्यूमेन, ल्यूमेन मतलब अंदर की कैविटी जो है ये जो है बहुत नैरो है, बट ये किसके कंपैरिजन में वाइड है ये हम लोग देखेंगे, विल ड्रॉ द डायग्राम देन आई विल शो यू, ठीक है, बट ये कहाँ पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेयर दे फाउंड, सो यहाँ पे देख लो दे आर फाउंड इन कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा, दे आर ऑलवेज वी कैन से found in the hypodermis, now understand hypodermis of monocot, क्या आपको याद है मैंने अभी एक पॉइंट आपको बताया था कि डाइकॉट की हाइपोडर्मीज में क्या मिलता है,
यहाँ पे आप देख सकते हो। डाइकॉट के हाइपोडर्मीज में आपको देखने को मिलता है बेटा पोलेनकाइमा। सी दे ऑकर इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे मतलब हाइपोडर्मीज इन डाइकॉट प्लांट। बेटा डाइकॉट प्लांट के हाइपोडर्मीज में पोलेनकाइमा होता है, बट मोनोकॉट प्लांट के हाइपोडर्मीज में स्क्लेरेनकाइमा होता है। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, यस, फाउंड इन द हाइपोडर्मीज ऑफ द मोनोकॉट, ऑल्सो फाउंड इन द वेस्ट, है ना, क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ सेल जो होते हैं, ठीक है, मोनोकॉट के, उनमें बेटा आपको ये स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलते हैं। मतलब बंडल शीथ जो बनता है, वैस्कुलर बंडल के ऊपर कोटिंग होता है, वहां पे बेटा आपको ये देखने को मिलता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये एक, है ना, कमर्शियल फाइबर्स आप लोगों ने नोटिस किए होंगे, कमर्शियल फाइबर्स जो हमें मार्केट में मिलते हैं, इकोनॉमिकली हम लोग यूज करते हैं बच्चों, है ना, इसके ऊपर एक दो बार नीट में क्वेश्चन आया है। तो कमर्शियल फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट्स आर यूजुअली स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। ठीक है, सो कमर्शियल फाइबर्स आर, कुछ पूछना चाहते हो या ना, या ना कुछ आप पूछना चाहती है? यस, ओके, सो कमर्शियल फाइबर्स आर, है ना, आर स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स। क्या आप में से कोई एग्जांपल बता पाएगा, है ना, कौन से बेटा स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स आप जानते हो, एनी एग्जांपल, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जूट, हैव यू, है ना, कभी आपने सुना है जूट, है ना, जूट फाइबर, है ना, जूट फाइबर। अब वो प्लांट का नाम है, मतलब उस प्लांट का नाम होता है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्कोरस। ठीक है, ये प्लांट का नाम है। अदर देन दिस आपने जरूर बेटा ये नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैक्स। ठीक है, फ्लैक्स होता है, इसको हम लोग बोलते बेटा ये जो होता है उसको हम लोग, ये ना लेनम नाम का है, ठीक है, प्लांट। या तो बेटा आप लोगों ने ये सबसे ज्यादा सुना होता है, मतलब हर छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, हेम्प, सन हेम्प जिसको हम लोग बोलते हैं। प्लांट का नाम है बेटा कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइबर, जैसे कि जूट, फ्लैक्स, हेम्प, All these are what the sclerenchyma fibers. सारे बेटा sclerenchyma fibers हैं। आपने याद, अगर आपको याद हो तो मैंने monocot plant में, sorry, जो morphology of flowering plant में fruits के बारे में हमने पढ़ा। Fruits में हमने drupe के बारे में पढ़ा। Drupe में हमने coconut का example लिया। और coconut में मैंने coir ये word use किया था। मतलब जो mizo में जो pericarp के अंदर वाला जो मिजोकार्प वाला एरिया है, मिजोकार्प फाइबर जैसा हो जाता है। आप नारियल, छोटा सा नारियल लो और उसको फोड़ने की कोशिश करो तो नारियल में आपको फाइबर्स देखने को मिलते हैं, है ना, यस और नो? तो ये फाइबर्स एक्चुअली होते क्या है, कॉयर, ये भी बच्चों सेम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर ही है, सारे डेड होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपको बेटा, है ना, सबसे लॉन्गेस्ट जो फाइबर देखने को मिलता है वो होता है फाइबर ऑफ रैमी। ठीक है, रैमी नाम का प्लांट है, उसमें जो फाइबर देखने को मिलता है स्क्लेरेनकाइमा, दैट इज लॉन्गेस्ट फाइबर, दैट इज लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, फाइबर्स ऑफ रैमी, ओके। बट यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेटली ये समझ में आना चाहिए, है ना, कि, है ना, इसका फंक्शन क्या है बताओ, सेम फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट करना, यही तो फंक्शन है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। अभी देखो जो भी प्लांट्स यार आपको सामने दिखाई देते हैं, जो आपके सामने एकदम इतने, है ना, प्रॉपरली, है ना, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में एक ही जगह पे, रोज एक ही जगह पे दिखते हैं, इतनी हवा आती, ये होता है, ये रिजिडिटी, ये पावर जो है बेटा, ये स्क्लेरेनकाइमा से वजह से है, बिकॉज इट इज डेड, डेड टिश्यू है, मैकेनिकल सेंट्रली लोकेटेड। ठीक है, सो दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ आते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या है, द सेकंड पॉइंट इज व्हाट द स्क्लेरिड्स, है ना, अगर आप स्क्लेरिड्स को, मतलब मैं अगर डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं तो देखो ये है स्क्लेरिड, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, सर्कुलर आपको मैंने स्क्लेरिड बनाया है,
अभी जो स्क्लेरिड्स होते हैं इनको अगर आप देखोगे तो यहां तक बेटा वो उसमें मतलब बाहर से तो डिपॉजिट हुआ ही है लिग्निन, ठीक है, बट अंदर जो है जहां पे साइटोप्लाज्म था वहां पे भी बेटा आपको लिग्निन डिपॉजिट होते हुए दिखाई देता है। तो आपको समझ में आएगा कि यार इसका सेल वॉल तो बहुत ज्यादा थिक है और इसका जो ल्यूमेन है वो एक्चुअल में नैरो ल्यूमेन है, नैरो ल्यूमेन, ठीक है, है ना, ठीक। सेल वॉल देखो दोनों में ही लिग्निन नाम का कंपोनेंट जमा है, स्क्लेरिड्स में भी वैसा ही है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बेटा आपको जो स्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, अगर शेप के बारे में बात करो तो दे आर नॉट व्हाट वी कैन से पॉइंटेड एंड इलोंगेटेड, ठीक है। स्क्लेरिड्स आर स्पेरिकल जैसे मैंने बनाया है, और ओवल और सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं बट बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगे, सिलिंड्रिकल, ठीक है। इवन बेटा वो स्टार शेप भी हो सकते हैं और बोन शेप्ड होते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के मतलब शेप जो है आपको स्क्लेरिड्स के देखने को मिल सकते हैं। मतलब बहुत बार स्क्लेरिड आपको ऐसा दिखाई देगा लाइक दिस, और इट कैन लाइक दिस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, है ना। ये देखो ये बोन शेप्ड होगा, ठीक है। सो दे कैन अपियर बोन शेप्ड, दे कैन बी स्टार शेप्ड। कभी आप अपने घर में, जो आपके घर में चाय पत्ती होगी ना, चाय पत्ती, अगर आपके घर में एक आधा छोटा सा भी मैग्नीफाइंग लेंस हो तो उस मैग्नीफाइंग लेंस में एक बस दाना उठाना चाय पत्ती का, एक दाना, अच्छा दाने वाला, ठीक है, उसको उठाओ और उसको मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर देखो आपको कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। कोई किसी ने देखा है, ऑब्जर्व किया है क्या चाय पत्ती को, थोड़ा सा भी, दो तीन चाय पत्ती का एक सिंगल पार्टिकल उठाओ और उसको शेक करो, कभी करना, ठीक है, आज ही कर सकते हो। तो आपको वो ऐसे दिखाई देंगे यार, स्टार शेप सारे के सारे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये एक्चुअली, हाँ चाय पत्ती के दाने जो होते हैं मतलब ये सारे के सारे, है ना, ये ऐसे पार्टिकल जैसे क्यों है, क्योंकि ये लीव से आए हैं, चाय पत्ती, है ना, चाय पत्ती, पत्ती वर्ड जो लीव से आता है, लीव पत्ता, ठीक है। तो डेफिनेटली चाय पत्ती जो है वो मतलब लीव के ही फ्रेगमेंट्स है छोटे छोटे, उनसे हमने निकाले हैं बेटा ये छोटे छोटे स्क्लेरिट्स जो कि स्टार शेप्ड हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो सी वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे हैव अ वेरी नैरो ल्यूमेन। ओके ये क्या लिख दिया, एन को इतना नीचे लिया है कि वाई जैसा लग रहा है, ठीक है, ओके, वेरी नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू, वेरी नैरो ल्यूमेन एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में बेटा, फाइबर के कंपैरिजन में, फाइबर के कंपैरिजन में नैरो ल्यूमेन है ना, डेफिनेटली है। तो सबसे सबके कंपैरिजन में नैरो ही है, और देखो है ना, मतलब जो जगह है वो वाइड वाइड ल्यूमेन वहां पे हम लोग लिखते हैं एज कंपेयर टू, यहाँ पे मैंने वाइड ल्यूमेन इसीलिए लिखा हुआ है, मैं इसके साथ उसे कंपेयर कर रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। ये थिक सेल वॉल ही है, ये भी थिक सेल वॉल है, ये तो बहुत ज्यादा थिक सेल वॉल है, दैट इज दोनों ही डेड सेल है, दोनों में ही प्रोटोप्लास्ट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर है ना डेड सेल्स, यस। बट नाउ यहाँ पे हमारा मुद्दा आता है कि यार ये स्क्लेरिड्स क्या ग्रुप्स में पाए जाते हैं, तो आंसर है दे आर यूनिसेलुलर, वो मल्टी सेलुलर नहीं, कभी नहीं होंगे, यूनिसेलुलर एंड लोकेटेड। तो वो कभी भी बेटा ग्रुप्स में नहीं होते, वो सिंगल ही लोकेट होंगे, उनका जहां पे भी पोजीशन है, ठीक है, वहां पे बेटा वो लोकेट होते हैं। नाउ कहाँ पे मिलेंगे ये, ठीक है, फाउंड इन, मतलब जो चीजें एनसीईआरटी में देखो, ये वाले पोर्शन को सीबीएसई ने मतलब नीट ने बहुत बार पूछा है कि है ना ये कहाँ पे पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स। तो जितने भी नट्स होते बेटा उनकी जो फ्रूट वॉल है वहां पे आपको ये जो है देखने को मिलते हैं, फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों ने जैसे कि है ना देखा होगा, है ना, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं आपको समझ में आ जाए, पल्प ऑफ फ्रूट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक लाइक गुआवा, पेड़,
ठीक है, पेयर एंड सपोटा। सपोटा मतलब क्या होता है? सपोटा, सपोटा मतलब चिक्कू जिसको बोलते हैं ना। तो ये जो है ना ग्वावा, देन अरे यहाँ पे ए मिसिंग है, सॉरी। तो ग्वावा, पेयर एंड सपोटा, ये जो फ्रूट्स है इनका जो भी पल्प होता है, जब ये कच्चे होते हैं ना, कभी आप इनको खाने की कोशिश करो, आप मतलब आपको ताकत लगानी पड़ेगी, दांत मजबूत होने चाहिए आपके, ठीक है। तो ये जो वो जो टफनेस होता है ग्वावा में या सपोटा में, जो दाने दाने दिखाई देते हैं, या पेयर में भी आपको बिठा देते जो है ना ऐसे पार्टिकल टाइप आपको देखने को मिलेंगे आप, है ना। तो वो जो भी होते हैं, इवन मैंगो में, मैंगो का अगर आप जूस भी बनाते हो तो बेटा ये कभी कभी आपको छोटे छोटे ऐसे दाने जैसे निकलेंगे जिसको फाइबर्स अटैच होंगे। तो ये सारे जो होते हैं बेटा, ये है एक सिंगल 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 कहीं कहीं पे मौजूद होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स और द पल्प ऑफ द फ्रूट। ये अलग है, ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या है बेटा कि सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स। देखो सीड कोट में तो बहुत सारे प्लांट के, क्योंकि सीड कोट इज वेरी वेरी टफ, ठीक है। सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। अदर देन दिस इवन बेटा, मैंने जैसे अभी आपको बताया था लीव्स ऑफ टी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं कि स्क्लेरिड्स हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्लेरिड्स के बहुत सारे टाइप होते हैं बेटा, जैसे कि अगर हम टाइप देखना चाहे, ठीक है, टाइप्स अगर देखना चाहे स्क्लेरिड्स के, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स ऑन द बेसिस ऑफ यू नो उनके जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं खास करके, ठीक है, तो उनमें बेटा आपको ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम लोग एक टाइप देखते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोन सेल्स, ठीक है, स्टोन सेल्स, ठीक है। अब ये जो स्टोन सेल्स होते हैं ना, ये अनब्रांच्ड होंगे, मतलब सर्कुलर होते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट होता है जो भी ग्रिट है, ग्रिट ऑफ ग्वावा जो है, ठीक है, ग्वावा पेयर, है ना, इनके इनके केसेस में जो भी देखने को मिलता है ना, एंड वुड एप्पल, वुड एप्पल जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, है ना, जब ये कच्चा होता है ना गावा, कभी देखो उसको खाने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि, है ना, तो स्टोन सेल्स कहते हैं उनको हम लोग, है ना। ये सारे अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब इनमें कोई ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलती, अनब्रांच्ड सेल्स, ठीक है, स्टोन सेल जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि why pear is gritty, gritty मतलब इतना मजबूत क्यों होता है ना, तो आंसर है why, because they have stone cells, है ना, जिनको हम brachysclerids कहते हैं, क्या कहते हैं उनको हम लोग, brachysclerids, ठीक है। तो ये है एक टाइप बेटा स्टोन सेल्स वाला। दूसरा होता है जिनको हम लोग बोलते हैं macrosclerids। ये वैसे याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं आपको, बट ठीक है, आपको पता होना, ये हमेशा रॉड लाइक होते हैं, है ना, दे आर रॉड लाइक, नॉट सर्कुलर बट रॉड लाइक। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, एग्जांपल सीड कोट में बेटा आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, दे आर मोस्टली फाउंड इन व्हाट द सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स, ठीक है, तो सीड कोट्स में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तीसरा जो होता है उनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोस्टेरॉइड्स। शायद आप नाम से ही समझ जाओ कि यार ये क्या हो सकते हैं, एस्ट्रोस्टेरॉइड्स। अभी मैंने ऊपर डायग्राम भी, एस्ट्रो मतलब क्या बेटा, एस्ट्रल मतलब क्या, स्टार शेप, ठीक है, तो एस्ट्रोस्टेरॉइड मतलब डेफिनेटली स्टार लाइक जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं, है ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम्पल बताओ, लीव्स ऑफ टी, ठीक है। देन देखो इन्होंने क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं ना, एक्चुअली कौन से कहाँ पे प्रेजेंट है बस इतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का नीट का यही प्रॉब्लम है, वो जो एक वर्ड लिख के दे देते तो उस फिर उसके आगे का क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। और देखो इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोस्क्लेरॉइड्स, कौन समझ सकता है, या सब समझ सकते हैं, ठीक है। स्क्लेरॉइड्स क्यों लिखा है मैंने, शुड नॉट बी स्क्लेरॉइड्स, it should be sclerites, sclerites, sclerites. Okay, very good. ठीक है, then again बेटा, है ना, यहाँ पे आते हैं osteosclerite, मतलब bone जैसे,
ना बोन लाइक जो भी स्क्लेरिड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोस्क्लेरिड्स, ठीक है। सो दे आर बोन लाइक, बोन लाइक। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल है मतलब इंडिविजुअली जब हम लोग इवन बहुत सारे सीड जो होते हैं मतलब सीड कोट होते हैं दूसरे भी प्लांट्स के, ठीक है, उनमें आपको ऑस्टियोस्क्लेरिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें नोटिस करना है बेटा, है ना, कि इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्क्लेरिड देखने को मिलते हैं। तो दो प्रकार के स्क्लेरेन्काइमा है, एक है फाइबर और एक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कभी आपने कॉटन फाइबर देखा है? यस, कॉटन फाइबर है ना बेटा? यस, व्हाट इज कॉटन फाइबर? यस सर, कॉटन फाइबर क्या होता है? इज इट अ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नोटिस कर रहा था कॉटन फाइबर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था, द कॉटन फाइबर्स आर इपीडर्मल फाइबर, ठीक है, बट नॉट स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। तो ये जो होते हैं ना ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स नहीं होते कॉटन वाले, ये कमर्शियल है। मतलब देखो जो भी आपका जो मतलब सीड कोट वगैरह जो लेयर है उसके जो एपिडर्मिल सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल एक ऐसा इलॉन्गेट हो जाएगा, तो ये जो है ना ये जो फाइबर है मतलब एक सिंगल सेल है उसका फाइबर सेल वो इलॉन्गेट हो जाते हैं, एपिडर्मिस के सेल ऊपरी त्वचा जो होती है उसके सेल इलॉन्गेट होते हैं, ठीक है। ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर नहीं है जो अंदर बनते हैं, दे आर नॉट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, क्या फंक्शन है बेटा बताओ स्क्लेरेन्काइमा का? आप सब जानते हो क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा भाई ये? इट प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करता ये, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टफ है, मतलब ये रियल मायने में जो है स्ट्रांगनेस जो है प्लांट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चाहे जहां पे भी ये मौजूद हो, हर जगह पे है, दे आर ऑल प्रेजेंट इन इवन फ्लोएम और जाइलम में भी प्रेजेंट है। मैं फ्लोएम और जाइलम में भी फ्लोएम फाइबर है ना ये वर्ड यूज करूंगा, या जाइलम फाइबर ये वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब ही है बेटा फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स, है ना। क्या आप डिफरेंसेस बता सकते हो फाइबर और स्क्लेरिड के बीच में? डिफरेंस बता सकते हो, है ना, किसका ल्यूमेन नैरो होगा? सर स्क्लेरिड का नैरो होगा एज कम्पेयर टू द फाइबर। कौन इलॉन्गेटेड होगा? सर इलॉन्गेटेड होते हैं फाइबर्स, है ना, फाइबर्स आर मोर इलॉन्गेटेड। किसके टेपरिंग एंड देखने को पॉइंटेड एंड मिलेंगे तो सर फाइबर। अच्छा कौन, हाँ कौन मल्टी सेलुलर होगा? तो आंसर है मल्टी सेलुलर होने के चांसेस, यस एग्जैक्टली। किसका सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होगा, है ना, तो आंसर है स्क्लेरिड्स का। कौन बेटा ग्रुप्स में मिलते हैं और सिंगली मिलते हैं? तो ग्रुप्स में कौन मिलता है? फाइबर्स। That's it. तो इस तरह से हमें differences, ये chapter comparative चीजें याद रखनी है इस chapter में। So बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने तीनों different types of the what we can say simple permanent tissue के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये जितने भी है इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिनको हम लोग simple permanent tissue कहते हैं, parenchyma, colenchyma as well as sclerenchyma। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि मोनोकॉट के हाइपोडर्मीज में कौन सा टिश्यू होगा? विच टिश्यू इज देयर इन द मोनोकॉट्स हाइपोडर्मीज, या मोनोकॉट के स्टेम के हाइपोडर्मीज में? तो आंसर है सर मोनोकॉट में स्क्लेरेन्काइमा होता है। और डाइकॉट के हाइपोडर्मीज में क्या होता है? डाइकॉट के, यस है ना, डाइकॉट के हाइपोडर्मीज में कोलेन्काइमा होता है। सो दैट इज ओनली द डिफरेंस, ठीक है। देखो फंक्शन वाइज भी कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में फर्क है ना। कोलेनकाइमा फिजियोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों फंक्शन कर सकता है, फिजियोलॉजिकल मतलब फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है क्योंकि वो लिविंग है, बट बेटा ये जो स्क्लेरेन्काइमा है ये कभी भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं करते, ये सिर्फ मैकेनिकल फंक्शन करते हैं, ये दोनों में फर्क है, ठीक है, दैट्स इट। दोनों, दूसरा एक फर्क है कि कोलेनकाइमा जब भी इलॉन्गेटेड होते हैं तो उनके ब्लंट एंड होते हैं,
बट स्क्लेरेन्काइमा जब इलोंगेटेड होते हैं तो इनके पॉइंटेड एंड होते हैं, बात क्लियर है, है ना? दैट्स इट। तो यहां पे बच्चों हम लोगों ने ये नॉर्मल सा पॉइंट पढ़ा, है ना? अब डेफिनेटली हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है? सो दैट इज आवर सेकंड पॉइंट। देखो इसमें दो ही टाइप है यार, एक कौन सा है बच्चों? जाइलम, और दूसरा फ्लोएम, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जाइलम और फ्लोएम जो भी होते हैं इनके इनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। सो यहाँ पे हमारा मुद्दा होगा कि कंसिस्ट ऑफ और मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इसमें दो ही एग्जांपल है यार, एक है जाइलम एक है फ्लोएम। सो नंबर वन हम लोग सबसे पहले बच्चों बात करेंगे, द फर्स्ट थिंग इज जाइलम। ठीक है, सो विल टॉक अबाउट द जाइलम। ठीक है, अगर हम लोग जाइलम के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या चीजें पता है, किसको क्या पता है बताओ? सबसे पहला पॉइंट है ना वो क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है ना? जाइलम फंक्शंस एज है ना ए कंडक्टिंग टिश्यू, है ना? इट इज ए कंडक्टिंग टिश्यू, बराबर। ये क्या है बच्चों? कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो ये कंडक्ट करते हैं वाटर और मिनरल दोनों चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना? लीफ से प्लांट की, है ना? रूट की तरफ, रूट से हर तरफ, ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, ऑलवेज इन द फॉर्म, है ना? इट इज ऑलवेज फ्रॉम रूट, फ्रॉम रूट्स टू शूट। ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। शूट का मतलब है ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, हर चीज। ठीक है, तो इट इज अ यूनि डायरेक्शनल। कैसा है बेटा? यूनि डायरेक्शनल। इसका जो फ्लो होता है वो हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है, बिकॉज ठीक है, इट ऑलवेज द, है ना, द फ्लो इज ऑलवेज फ्रॉम द रूट टू द शूट सिस्टम। ऐसा कभी नहीं होता कि शूट सिस्टम से रूट सिस्टम की तरफ वाटर या मिनरल्स आ रहे हैं, दैट इज नॉट। ठीक है, ऐसा नहीं करते। इसीलिए बेटा यहाँ हम लोग, क्योंकि देखो रूट्स ही तो एब्जॉर्ब करके ला रहे हैं, बराबर है। इवन इट प्रोवाइड्स, अगर देखो बहुत सारी चीजें हैं, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल वुड, ये वर्ड जब हम लोग यूज करते हैं ना वुड, तो वुड का एक्चुअली क्या मतलब होता है पता है आपको? जो भी बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें वुड ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। वुड्स मतलब अलग चीज है, जंगल। बट व्हाट इज वुड? वुड का मतलब है बच्चों सिंपली इट्स अ सेकेंडरी जाइलम। बेटा जिस भी प्लांट में जितना सेकेंडरी जाइलम जमा हो जाएगा उतना थिक उसका वुड होता है, वुड। ठीक है, तो जब भी वुड ये वर्ड आपको एक्चुअली दिखाई दे जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, ठीक है, वो होता है बेटा सेकेंडरी जाइलम। तो जाइलम मेक्स द वुड। ठीक है, अब देखो इसमें इसमें है ना फोर डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना? फोर एलिमेंट्स, कौन कौन से फोर एलिमेंट्स है? चार डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट एलिमेंट्स। एक क्या है बेटा? एक तो होता है ट्रकेट्स, ठीक है। सेकेंड टाइप इज व्हाट? द वेसल्स, है ना। तीसरा होता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। और चौथी चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। तो देखो समझने के लिए आपको तो ये पता ही है दोनों, अभी जो पढ़ा, फाइबर्स मतलब फाइबर्स, क्लेरेन्काइमा,
और जाइलम पेरेन्काइमा, मतलब पेरेन्काइमा। मतलब रियल मायने में देखा जाए तो आपको दो ही चीजों को सही ढंग से समझना है, ट्रकीड्स और वेसल्स। नाउ बेटा मैंने आपको ये बता के रखा है पहले से भी, पहले से ही बेटा ये बता के रखा हुआ है कि टेरिडोफाइट को हमने पढ़ा, टेरिडोफाइट एज द फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टेरेस्ट्रियल, है ना, सबसे पहले फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट तो टेरिडोफाइट है। बट मैंने आपको ये बता के रखा है कि पेरेन्काइमा, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें ओनली ट्रकिड्स होते हैं, वेसल्स तो होते नहीं है। इवन बेटा जिम्नोस्पर्म्स में भी ट्रकिड्स ही होते हैं, वेसल्स नहीं होते हैं। तो एंजियोस्पर्म आर द प्लांट्स विच हैव अ ट्रकिड्स एज वेल एज वेसल्स, मतलब इनमें ट्रकिड्स बहुत कम होते हैं और वेसल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ना हमें दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, है ना, ट्रकिड्स भी पढ़ना पड़ेगा एज वेल एज व्हाट द वेसल्स के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ मुद्दा आता है बेटा, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम, तो ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। वेसल्स आर मेन ट्रकियरी एलिमेंट्स, ये मेन ट्रकियरी एलिमेंट्स है, ठीक है। मतलब एंजियोस्पर्म्स में मेनली तो वेसल्स ही पाए जाते हैं, ट्रकिड्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ट्रकिड्स ही पूरा का काम करते हैं, जो भी उनका जो भी कंडक्शन होता है उसमें सिर्फ ट्रकिड्स ही रोल प्ले करते हैं, है ना, ये एक मुद्दा है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है, कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है जिनमें कभी कभी वेसल्स नहीं भी होते, वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है, बट इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट याद रखना है कि मतलब एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि vessels occur in most angiosperms, most angiosperms, not all angiosperms, yes or no? Vessels occur in most angiosperms, all में नहीं बोल रहे, सब में होता है नहीं, मतलब कुछ angiosperm families है जिनमें vessels नहीं पाए जाते, yes, ठीक है, पक्का। But vessels are absent in all trachids. टेरिडोफाइट में वेसल्स नहीं होते। कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल्स होते हैं, जैसे निटम के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, निटोप्सिडा, मैंने कहा निटम जो है एंजियोस्पर्म से थोड़ा क्लोज है। सो एनीवे ये सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, तो जो भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर एक्चुअली, है ना, यहाँ पे देखते, तो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने उसको हेड्रोम कहा, हेड्रोम मतलब जो भी है, जाइलम्स आर कॉल्ड एज हेड्रोम, कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम आर कॉल्ड एज हेड्रोम, ठीक है। तो हेड्रोम ये वर्ड दिया गया है बाय एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बेटा हैबरलैंड, ठीक है, हैबरलैंड, इनका नाम आपको टिश्यू कल्चर में भी देखने को मिलेगा। तो मैं क्वेश्चन पूछूं बेटा आपको, ना ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑल एंजियोस्पर्म्स हैव वेसल्स, ऑल एंजियोस्पर्म, नो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स ऐसा है, सम नहीं बोलना, सम एंजियोस्पर्म्स हैव वेसल्स, नहीं सही, वो भी सही नहीं है, सम नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को ये बोल सकते हैं मोस्टली ऑल एंजियोस्पर्म्स, मोस्टली ऑल एंजियोस्पर्म्स आर हैव द वेसल्स, ठीक है, दैट स्टेटमेंट यू कैन डू दैट, है ना, दैट स्टेटमेंट। सम जिम्नोस्पर्म्स हैव वेसल्स, क्या ये करेक्ट है, सम जिम्नोस्पर्म्स, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन है, मतलब नीट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन दिखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने आपको बता के रखा हुआ है। सो लेट्स नंबर वन, हम लोग क्या करते हैं, एक बाय वन बाय वन जो है हम लोग सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर वन बात करते बेटा ट्रकिड्स के बारे में। ट्रकिड्स जाइलम का मेन, मतलब जो है ना इनिशियल, तो ये देखो ये ट्रकिड जो होते हैं इनके बारे में अगर हम बात करें तो बेटा ट्रकिड्स आर इलोंगेटेड, दे आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक,
ठीक है, द किड्स आर इलांगेटेड और ट्यूब लाइक, ठीक है, विद द थिक एंड लिग्निफाइड थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, ठीक है। तो इनमें थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, इलांगेटेड और ट्यूब लाइक विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स आपको ये देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एंड टैपरिंग एंड्स, टैपरिंग एंड्स, तो क्या आपको नहीं लग रहा है ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर जैसा है? है ना, लग रहा है ना, है ना, ये स्क्लेरेन्काइमा फाइबर से है ना। और बेटा क्या ये जिंदा है, जिंदा टिश्यू होता है क्या? नहीं, ठीक है, दीज आर डेड एंड विदाउट, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इनमें अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कुछ नहीं है, खाली कैविटी है, पाइप है जिसके अंदर से पानी जाएगा, फ्लो होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी आर वेरी वेरी सिंपल, जो इनका इनर लेयर जो है सेल वॉल का हैव थिकनिंग्स विच वेरी इन फॉर्म, तो उसमें अंदर बेटा थिकनिंग्स हो सकती है, ठीक है। देखो ट्रकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, तो हमें पता ही होता है। ट्रकिड्स कंस्टिट्यूट अबाउट, है ना, इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 95%, ठीक है, 95% ऑफ वुड इन जिम्नोस्पर्म्स। तो बेटा जिम्नोस्पर्म्स में जो भी है, मतलब जो भी उसका है ना होता है, बट ठीक है, ओनली 5% ऑफ वुड। देखो वर्ड क्या आ रहा है, बड़ा ध्यान से देखो, वुड वुड, ठीक है, ओनली 5% ऑफ वुड इन एंजियोस्पर्म्स। अब आप ये स्टेटमेंट समझ सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स हैव द ट्रकिड्स, है ना, और मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स हैव द वेसल्स। यस एवरीवन, कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब अगर देखो, अगर हम इनको ड्रॉ करें, अगर इनका ड्रॉइंग करते हैं हम लोग, तो देखो ड्रॉइंग में हमें हमेशा ये समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे अगर मैंने कोई ऐसा सेल ड्रॉ कर दिया, ये देखो ये हमने सेल बना लिया बच्चों, ठीक है, और इस सेल को हम लोगों ने इस तरह से बनाया है, ये उसका सेल वॉल है, ठीक है, दिस इज द सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल, थिक सेल वॉल, ठीक है, पक्का। और ये जो है बच्चों इसमें है ल्यूमेन, दिस इज द ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन आपको देखने को मिलेगा, बेटर है ना, नैरो ल्यूमेन, वाइड ल्यूमेन, ये सब तो देखो ल्यूमेन है बस, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर बहुत जगह पे पोर्स भी पाए जाते हैं, ये जो पोर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पिट्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, द पिट्स, है ना, इस तरह से, मतलब बीच बीच में पोर्स आपको वॉल में देखने को मिलेंगे। देखो क्योंकि ये वाटर को कंडक्ट करना चाहते हैं, तो है ना, ये हमेशा सिंगल लोकेशन देखें, सिंगली लोकेटेड, ठीक है, नॉट दैट मच मल्टी सेलुलर समथिंग, दे आर नॉट इन ग्रुप्स, ठीक है, दे आर प्रेजेंट सिंगली। तो बेटा ट्रकिड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला तो है वो तो टैपरिंग है, ये है वो है, तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पे पॉइंट होता है दे आर सिंगल, दे आर सिंगल, ठीक है, सिंगली लोकेटेड, ठीक है, ये एक मुद्दा जो है आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली, ठीक। और है ना, उसमें एक और चीज है, जैसे कि इसका ल्यूमेन जो होता है वो थोड़ा सा, ठीक है, एज कम्पेयर टू, एज कम्पेयर टू जो ल्यूमेन है इसका, इट्स अ नैरो ल्यूमेन, नैरो ल्यूमेन, ठीक है, एज कम्पेयर टू, कम्पेयर टू वेसल्स, ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट। टैपरिंग एंड तो है ही है, देखो एंड यहाँ पे डेफिनेटली ये यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल हमको देखने को मिलता है, सो दे आर सिंगल सेल, ठीक है। तो ये जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कैविटी है, यहाँ से बेटा वाटर का फ्लो होगा,
ठीक है, जो भी वाटर का कंडक्शन है वो कंडक्शन हमेशा वाटर का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, मतलब ये वाटर फील्ड कैविटीज आपको देखने को मिलेंगे, अंदर जो है पानी भरा होगा, ठीक है, जहाँ इधर से देखो ये पिट से पानी जो है दूसरे सेल में दूसरे टिश्यू में जा सकता है, ठीक है. सो दैट्स इट, दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये इतने इलॉन्गेटेड नहीं होते जितने की स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, ठीक है. सो सिंपली है ना, अब हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग व्हाट द वेसल्स के बारे में, ठीक है. वेसल जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, देखो वेसल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा, दे आर लॉन्ग सिलिंड्रिकल, दे आर नॉट एक्चुअली पॉइंटेड, है ना, सिलिंड्रिकल, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ट्यूब लाइक, ट्यूब जैसे ही है क्योंकि इनके अंदर से भी वाटर का फ्लो होगा, ठीक है, ट्यूब लाइक. एंड एक्चुअली दे आर एक्चुअली मेडअप ऑफ, देखो यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ, मेडअप ऑफ मैनी मैनी, हाँ मतलब बहुत सारे सेल्स होंगे, मैनी सेल्स, ऐसे ही एक सिंगल सेल से वो बने नहीं होते, दे हैव अ मैनी सेल्स, मेडअप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है, इनको मेंबर्स कहते हैं, ना मतलब वेसल मेंबर्स, कॉल्ड वेसल मेंबर, ठीक है. हर एक का बेटा देखो वही होता है, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड दे हैव द लिग्निफाइड लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, ठीक है, लार्ज सेंट्रल कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी, ठीक है. अब ये देखो ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, दे आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, ये जितने भी होते बेटा ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं. आप डिफरेंसेस नोट कर सकते हो किस तरह से डिफरेंस हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रकीड्स एंड वेसल्स. तो वेसल जब भी हम लोग जाइलम में देखते हैं तो वो यार थोड़े से सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब इफ वी ड्रॉ देम यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन. सी ये मैंने एक बना दिया बेटा वेसल, ये इस तरह से वेसल है, ठीक है. वेसल थोड़े से थिक होते हैं, देखो इस तरह से है ना, ये थिक है और इनके जो भी सेपरेशन है, मतलब ये है ना, ये इस तरह से, अभी एक वेसल मैंने बनाया है उसका जो ये सेल वॉल है, इस तरह से ये सेल वॉल मैंने बना दिया, ठीक है. आपको देखने को मिल रहा है कि जो वेसल्स होते हैं, ये दूसरा मैंने वेसल बनाया है, ये देखो दूसरा एक वेसल मैंने बनाया, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है. अब ये जो है अगर आप देखोगे तो इनका जो जो सेल वॉल होता है, इनके जो सेल वॉल होते हैं वो थोड़े से थिन है एज कम्पेयर टू द ट्रकेट्स, बट आप देख सकते हो इसका जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है. तो वाइड ल्यूमेन एंड दे आर प्रेजेंट लैटरली, लैटरल बेटा अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलता है, ये एक वेसल मेंबर है, ये एक वेसल मेंबर है. सो दीज वेसल मेंबर्स आर अरेंज्ड, ठीक है, विद द ऑब्लिक, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है यार, इनका एक ऑब्लिक सेप्टम आपको देखने को मिलता है, ठीक है, दे हैव दिस ऑब्लिक सेप्टम, ठीक है. सो यहाँ हमें नोटिस करना है कि दे हैव अ वाइड ल्यूमेन as compared to the tracheids, है ना, वाइड ल्यूमेन, मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं मतलब ये वाला ये उसके इसके ऊपर एक और अरेंज होगा, so they are multicellular, they have a wide lumen, that's it, that is what the point, है ना. इसमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, ये भी डेड ही तो है क्योंकि जाइलम है, ठीक है, vessels are dead without protoplast, है ना, they do not have any protoplast. Okay, so you know, vessels are dead. They do not have protoplast or nothing. ठीक है, इनमें protoplast present नहीं होता. They are entirely dead tissue. ठीक है, xylem पूरा dead है. क्यों है? Because देखो इसमें जितने भी component है, चार component है. इसमें tracheids dead tissue. ठीक है, उसके बाद vessels dead tissue. Xylem parenchyma ही लिविंग है, बाकी xylem fiber डेड टिश्यू.
मतलब अगर आप चार एलिमेंट देखते हो तो चार में से थ्री एलिमेंट्स आउट ऑफ फोर, थ्री एलिमेंट्स आर डेड, ओनली xylem parenchyma is a living, so we overall we consider that, है ना? यहाँ पे बेटा डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है मतलब देखो जितने ना, मतलब वोटिंग अगर डेड लोगों को ज्यादा पड़ी है तो ये डेड है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द वेसल्स सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड दीज आर ऑल्सो डेड सेल्स, तो ये भी डेड सेल्स है, ठीक है? वुड इन एंजियोस्पर्म, जो अब यहाँ पे एक मुद्दा हम लोग देखते हैं बेटा, है ना, वुड इन एंजियोस्पर्म्स इज पोरस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स, ठीक है? तो जब भी आप इनको, इनके वुड देखोगे, क्योंकि इनमें वेसल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उनकी कैविटी जो है, ल्यूमेन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है? ये आप देख सकते हो इसमें बेटा, ऑब्लिक जो है ना, सेप्टम्स आपको देखने को मिलते हैं बिटवीन द टू सेल्स, है ना, ऑब्लिक सेप्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ऑब्लिक सेप्टम्स में पोर्स होते हैं बहुत सारे, सो दे आर पीटेड ऑल्सो, ठीक है? बट अगर आप इसका सेक्शन लोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यार देखो ये इस तरह से एक वेसल है, फिर ये बहुत बड़ा दूसरा वेसल है, मतलब एंटायर वुड देखोगे तो वुड में बहुत बड़े बड़े पोर्स आपको देखने को मिलेंगे. उसको कट करोगे ना, ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे, बहुत बड़े बड़े पोर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका ल्यूमेन बहुत वाइड होता है. तो इसका एंजियोस्पर्म का जो वुड होता है, एंजियोस्पर्म वुड आर कंसिडर एज अ पोरस वुड बिकॉज दे हैव वेसल्स, ओके? बट अगर जब भी आपको ये देखने को मिलेगा, यू नो जिम्नोस्पर्म्स, यू नो वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, उसमें से जो वुड मिलता है, लकड़ी मिलती है, ठीक है, वो होता है, है ना, जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन पोरस, इवन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट दोनों का ही, क्योंकि देखो उसमें वेसल्स ही नहीं है, ठीक है? अब्सेंस ऑफ वेसल्स की वजह से, क्योंकि है ना ट्रकेट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे तो उतने ज्यादा आपको पोर्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे, और एक तो वो टैपरिंग एंड वाले होते हैं, तो नैरो ल्यूमेन की वजह से बेटा आपको वुड में बहुत ही मतलब पोरोसिटी जो है बिल्कुल उसकी कम दिखाई देगी. इसलिए जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के जो वुड होते हैं वो नॉन पोरस होते हैं. इट्स इट क्लियर? ठीक है. और देखो, और ये सारे वेसल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है थ्रू द परफोरेशन इन देयर कॉमन एंड वॉल. ये जो कॉमन एंड वॉल है, दैट इज व्हाट द पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये जो कॉमन एंड वॉल है बेटा, इस कॉमन एंड वॉल पे आपको ये डेफिनेटली देख पा रहे हैं. मतलब देखो मैं यहाँ पे बना दू यार, ये देखो, ये एक मैंने बनाया वेसल, ठीक है, ये दूसरा एक वेसल मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला देखो, ये वेसल है और ये एक वेसल है, आपको दिखाई दे रहा है. नाउ आप देख सकते हो कि ये जो है ना वॉल, ठीक है, इसका वाटर यहाँ से यहाँ जाएगा, वाटर विल गो हियर, ठीक है, बट यहाँ पे भी पोर्स है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी पोर्स है, तो बेटा पानी जो है यहाँ से भी यहाँ पे जाएगा, मतलब है ना इधर से भी जाएगा. दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो ये सारे जो है वेसल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि है ना वेसल्स कनेक्टेड है क्योंकि इनके ऊपर, इनके जो लैटरल वॉल्स है, यहाँ पे देख सकते हो इवन यहाँ पे पोर्स है, बट यहाँ पे भी पोर्स है, यहाँ पे भी पोर्स है, इस तरह से देखो, मतलब वाटर का जो मूवमेंट है फ्रॉम वेसल्स, एक वेसल से दूसरे वेसल में ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, ऐसे ऊपर तो जा ही रहा है, ठीक है, बट बाजू बाजू में भी जा सकता है. तो ये जो पैसेज है ये आपको देखने को मिलेगा. So, vessels are interconnected by pits. The vessels are interconnected by pits. ठीक है, ये जो vessels है वो एक दूसरे से connected है,
इनको पिट्स बोलते हैं, पिट्स मतलब पोर्स, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिट्स वी कैन से दैट दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। परफोरेशन हम लोग बोल सकते हैं, परफोरेशन, ठीक है, दैट इज व्हाट द पॉइंट, ठीक है। देखो इन परफोरेशन का पोरस और नॉन पोरस से संबंध नहीं है, है ना, वेसल्स है बहुत बड़े बड़े इसीलिए वो पोरस गुड बनेगा, ठीक है। सो इन वेसल्स एंड वॉल्स आर अब्सेंट, तो यहाँ जो हम लोग एंड वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली जो एंड वॉल है ये अब्सेंट ही है, क्यों, क्योंकि ये इतना पोरस है कि आपको लगेगा नहीं कि ये एंड वॉल है, ठीक है। तो ये जो ऑब्लिक सेप्टम है इट्स वेरी हाईली पोरस, मतलब इसमें इतने सारे पिट्स होते हैं कि सारे एक दूसरे से पाइप जैसे कनेक्ट हो जाते हैं, ऑल एंटायर जितने भी वेसल्स है बेटा वो एक दूसरे से पाइप जैसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो है ना, ना के बराबर ही बेटा ये जो एंड वॉल है ये जो है गायब ही हो जाएगा, आपको ये दिखा रहा हूं मैं, बट क्योंकि आपको समझ में आए कि वो ऑब्लिकली क्यों कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि अगर ऑब्लिकली कनेक्ट रहेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया उनका कनेक्ट होता है फॉर द बेटर वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, पिट्स होते हैं, पिट्स के थ्रू बेटा वो सारी चीजें को एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखो यार, मतलब आपको मैं समझा दूं कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेसल्स का प्रेजेंस, दूसरे किसी भी ग्रुप में आपको वेसल्स देखने को मिलते हैं क्या, जैसे एंजियोस्पर्म का फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आपको एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, वैसे ही बेटा प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ वेरी वेरी पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, हाँ थोड़े एक्सेप्शंस है बट ओके, ठीक है, बोलो सर, ट्रकेज में पिट्स का फंक्शन क्या है? हाँ अभी वही पे पॉइंट है, वही पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, उसमें भी वही है, ट्रकेज में पिट्स का क्या फंक्शन है, देखो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वेसल्स एंड ट्रकेज इज इन परफोरेशंस ऑफ एंड वॉल्स, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट था और तुमने बिल्कुल उसी वक्त पूछा क्या कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार देखो क्या बेसिक डिफरेंस है ना, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेसल्स एंड ट्रकेज, इज इन परफोरेशंस, ऑफ एंड वॉल्स, ठीक है। अब परफोरेशन जो है वो एंड वॉल में डिफर करते हैं, कहां पे डिफर करते हैं, एंड वॉल में डिफर करते हैं, ठीक है। देखो अगर आप ट्रकेट्स में देखोगे तो यहाँ पे देखो इसको इधर पानी जाएगा, इधर पानी जाएगा, जा सकता है ना, पानी इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी करना है कि ट्रकेट को बस ऊपर ही पानी चढ़ाते चले जाना, आजू बाजू में तो है, आजू बाजू के सेल्स है, उनको कौन वाटर देगा, कौन मिनरल देगा, इनको देना है ना, इनको तो देखो कंडक्शन का सीधा मतलब सिर्फ अपवर्ड कंडक्शन थोड़ी होता है, कंडक्शन का मतलब होता है बेटा रेडियल कंडक्शन, आर यू गेटिंग दिस, रेडियल कंडक्शन मतलब यार पानी रूट अगर खींच रहा है तो रूट अपने पहले कॉर्टेक्स को पानी देगा या ऊपर लीफ के बारे में सोचेगा मैं लीफ को पानी पहुंचाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता यार, यस और नो, है ना, हाँ। तो देखो लैटरल और रेडियल कंडक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जब भी हम लोग देखेंगे कि इसको हमें ये देखो पानी ऊपर चढ़ाना है डेफिनेटली, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, एक होता है बॉर्डर्ड पीट, ठीक है, आर द कैविटीज इन द लिग्निफाइड सेल वॉल ऑफ द जाइलम, है ना, दोनों में ही, एंड मोर कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स, तो आपको बेटा बॉर्डर्ड पीट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। बॉर्डर्ड पीट्स का क्या मतलब है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पे आप सारे बच्चे थोड़ा नोटिस करना, देखो ये, देखो ये वॉल है, ये वॉल है बच्चों, सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल होता है, वाटर का कंडक्शन आराम से बेटा जा सकता है, आ सकता है, मान लेते हैं यहाँ पे अब लिग्निन जमा हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, लिग्निन का डिपोजिशन हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शन है यहाँ पे, तो इतना पोर्शन छोड़ करके फिर यहाँ पे लिग्निन डिपॉजिट हुआ, तो बच्चों नोटिस करो ये अंदर का ल्यूमेन है, अंदर का ल्यूमेन है, ठीक है। अब आप नोटिस करो
वाटर यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से जा नहीं सकता, यहाँ से जा नहीं सकता, वाटर यहाँ पे भी, यहाँ से भी ल्यूमेन में एंट्री नहीं कर सकता, बट ये जगह है जहां से वाटर एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कहा पिट, ये कहा पिट मतलब पोर, बट इसे मैं कहता हूं सिंपल पिट। क्या कहता हूं इसे मैं? सिंपल पिट, मतलब अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, मतलब ये अगर टर्की डे है ना, इसको देखोगे तो आपको ऐसा एक छेद, ऐसे बहुत सारे पोर्स नजर आएंगे। सो दीज आर द सिंपल पिट्स, ये सिंपल पिट है। बट आई विल अगेन ड्रॉ द सेम डायग्राम, सी दिस वन, यहाँ देखो आप लोग, ये देखो ये सेल वॉल है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेल वॉल है। इस सेल वॉल में यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, मतलब यहाँ पे ही है ना पिट बनेगा। तो बेटा ये देखो यहाँ तक जो है जमा होना शुरू हो गया लिग्निन लिग्निन लिग्निन, यहाँ पे भी जमा होना शुरू हो गया लिग्निन लिग्निन लिग्निन, बट सम टाइम जो ये जो है ना पोर्स के आजू बाजू में यहाँ पे जो है वो इस तरह से और इस तरह से कवर्ड हो जाता है, लिग्निन थोड़ा ज्यादा ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो आपको दो लाइंस देखने को मिलती है और ऐसे पिट को हम लोग बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, ऐसे पिट को हम लोग बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, इट्स कॉल्ड अ बॉर्डर्ड पिट। इफ यू ऑब्जर्व देम ऑन द ट्रकेट्स और वेसल्स, इफ यू ऑब्जर्व देम लाइक दिस, सपोज ये है, तो इनके ऊपर जो पिट आपको देखने को मिलेगा उसमें आपको बॉर्डर भी देखने को मिलेगी। तो दो प्रकार के पिट आपको देखने को मिलते हैं, देखो पानी तो जैसे भी है ना, चाहे बॉर्डर्ड पिट हो चाहे सिंपल पिट हो बेटा, वो ट्रांसपोर्ट होगा लाइक दिस, यहां से बेटा पानी जाएगा अंदर। तो बॉर्डर्ड पिट का मतलब होता है कि बस जहां पे पिट बना है उसके आजू बाजू में थोड़ा ज्यादा लिग्निन जमा हो जाता है, इसीलिए वो बॉर्डर जैसा अपियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नोटिस करना पड़ेगा कि आप जब भी पिट्स को देखोगे तो इसके जो वॉल जो है, मतलब बेसिक डिफरेंस जो है वेसल्स और इज अ परफोरेशन ऑफ द एंड वॉल्स। तो ये एंड वॉल में आप, ये जो एंड वॉल है वेसल का एंड वॉल है, तो आपको है ना यहाँ पे पिट देखने को मिलेगी, एंड वॉल्स में पिट्स देखने को मिलेंगे। बट सेम थिंग अगर आप ट्रकेट्स ड्रॉ करते हो, दिस इज अ ट्रकेट, तो ट्रकेट्स में सिर्फ लैटरल वॉल्स में बेटा आपको देखने को मिलते हैं, बट एंड वॉल एक्चुअली इसका टैपरिंग है वहां पे, इसीलिए आपको परफोरेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। यस और नो? यस है ना, क्योंकि एंड वॉल यार इसका ऑब्लिक है, यहाँ तो है ना मैक्सिमम कॉन्टेक्ट है, और इतने परफोरेशंस होते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कोई सेपरेशन भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल। नाउ देखो, बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन वेसल वॉल्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था और हमको ये बात याद रखनी है कि जो वेसल वॉल्स होते हैं है ना, मतलब अगर आपको बहुत क्रिटिकली कोई पूछे कि ट्रकेट्स और वेसल्स इनमें से किस में बेटा, कौन से जगह पे आपको बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ। व्हाट शुड बी योर आंसर है ना, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो, इन जिम्नोस्पर्म द ट्रकेट्स पोसेस बॉर्डर्ड पिट्स, याद रखो इन जिम्नोस्पर्म्स ट्रकेट्स हैव बॉर्डर्ड पिट्स, बट ये कहां पे है बच्चों? जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, ये एक मुद्दा है। दूसरा होता है, ठीक है, बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन वेसल वॉल्स, मतलब देखो आर फाउंड इन वेसल वॉल्स इन एंजियोस्पर्म्स। कितने लोगों को यह स्टेटमेंट समझ में आया? वेसल वॉल्स इन एंजियोस्पर्म्स, मतलब देखो पीट सब में है, पीट सब में है, इसमें भी पीट से, इसमें भी, ये देखो ये सारे पीट से, तो ये जो है ना ऑब्लिक वाला जो एरिया है यहाँ पे सिंपल पीट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये वेसल है, बट वेसल के जो एंड वॉल्स है बेटा, जो ऑब्लिक एंड वॉल्स है वहां पे आपको सिंपल पीट देखने को मिलेंगे, ये ट्रकेट है,
ट्रकिड में ये जो है बेटा यहाँ पे आपको सिंपल पीट देखने को मिलेंगे, बट ये जो वेसल है, वेसल का जो ये जो पीट्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं बेटा, ये बॉर्डेड पीट्स होते हैं। बात क्लियर है क्या? यस, ठीक है। तो बच्चों सिंपल पीट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बता सकते हो आप लोग? वेयर आर द सिंपल पीट्स? आर सिंपल पीट्स बिना बॉर्डर वाले सब में, सब जगह, ठीक है। सिंपल पीट्स ऑकर इन ऑल टाइप, इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। हर प्रकार के टिश्यू में पाया जाता है सिंपल पिट, इवन पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा में भी आपको बेटा पिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब देखो हर प्लांट का जो सेल वॉल है वो दूसरे सेल के साथ में, सेल है ना, सेल का सेल कनेक्शन है, प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शंस बोलते हैं, एक सेल दूसरे सेल से जो कनेक्शन करता है उसको हम लोग प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शन करते हैं, मतलब है ना। तो ये जो प्लास्मोडेस्माटा कनेक्शंस है, अब वो डेड हो जाएंगे तो भी बेटा रह जाएंगे, कनेक्शन तो जाएगा नहीं, तो गैप है ना, दोनों सेल वॉल के बीच में जो गैप होती है एक दूसरे के बीच जो कनेक्टिविटी होती है वो तो खत्म नहीं होगी। तो सिंपल पीट मतलब बिना बॉर्डर वाले पीट बेटा आपको हर टिश्यू में देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। बट बॉर्डर्ड पीट्स कहीं कहीं पे ही आपको देखने को मिलते हैं, हर जगह पे आपको बॉर्डर्ड पीट देखने को नहीं मिलेंगे। सो बॉर्डर्ड पीट्स आर द कैविटीज इन द लिग्निफाइड सेल वॉल्स ऑफ द जाइलम, ठीक है, कंड्यूट्स एंड मोर कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स। बॉर्डर्ड पीट्स ज्यादा कॉमन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ट्रकिड्स में, ठीक है। बॉर्डर्ड पीट्स आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, वी ऑल नो अबाउट द थिंग्स। कैन यू टेल मी द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रकिड्स एंड वेसल्स? एना कौन ग्रुप में पाया जाता है, कौन सिंगल होता है, बताओ? वेसल्स आर इन ग्रुप्स है ना, एंड ट्रकिड्स आर सिंगल। किसका टेपरिंग एंड है और किसके ऑब्लिक एंड है ना? ट्रकिड्स के टेपरिंग एंड है। किसका ल्यूमेन वाइड है? वेसल और वेसल्स। बहुत बढ़िया, वेरी क्लियर है ना। इन में से किस में बेटा बॉर्डर्ड पीट्स देखने को मिलते हैं? लैटरल वॉल्स के ऊपर। किसके लैटरल वॉल्स के ऊपर बॉर्डर्ड पीट देखने को मिलते हैं? वेसल्स। वेसल्स, बहुत बढ़िया। इन दोनों में से कौन मल्टी सेलुलर कहलाया जा सकता है? मल्टी सेलुलर वेसल्स। वेसल्स, दैट्स इट। अच्छा, इन दोनों में से किसका सेल वॉल थिक होगा? दोनों ही थिक है बट कंपैरेटिवली थिक होगा, क्योंकि देखो इसका ल्यूमेन बहुत ज्यादा बड़ा है, वाइड है वेसल्स का, इसलिए उसका सेल वॉल थिन है, ठीक है। तो याद रखना कि ट्रकिड्स का सेल वॉल थिक है एज कंपेयर टू द वेसल, करेक्ट है। थिक सेल वॉल नैरो ल्यूमेन, थिन सेल वॉल वाइड ल्यूमेन, समझ रहे हो है ना। अगर आप फुटपाथ बड़ा कर दोगे तो रोड छोटा हो जाएगा जहां से गाड़ी जाएगी, और फुटपाथ अगर बेटा आप छोटा करोगे तो रोड बड़ा हो जाएगा, वैसा ही है, सिंपल है। यस एवरीवन? यस सर। ओके, तो अगर आपको ल्यूमेन वाला पॉइंट याद है तो बेटा आपको सेल वॉल वाला भी, थिकनेस वाला पॉइंट भी आपको याद हो सकता है, याद रह सकता है। सो ये रहा बेटा एंटायरली अबाउट द वेसल्स। अब यहाँ पे एक मैंने पॉइंट थोड़ा सा छोड़ दिया है, एक्चुअली है ना, थिकनिंग के भी कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अरेंजमेंट जो है थिकनिंग के होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। मतलब रेटिकुलर अरेंजमेंट, इस तरह से स्पाइरल अरेंजमेंट है ना, रिंग लाइक एन्युलर अरेंजमेंट ऐसा होता है। मतलब आप एक पाइप खरीदो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेटा डिजाइन बनाने लग जाओ, वैसा ही होता है। सेल वॉल है, सेल वॉल एक ट्यूब जैसा है, सेल है ना, उसके ऊपर लिग्निन जमा होना शुरू हो जाएगा। अब ये लिग्निन जमा होता है तो अलग अलग डिजाइन बना देता है, ठीक है। कभी एन्युलर डिजाइन, कभी नेटवर्क लाइक रेटिकुलर बोलते हैं, या स्पाइरल या पीटेड, इस तरह से चार प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट मच डिटेल। लाउसी, यहाँ पे तीसरा जो चीज है बेटा वो है डेफिनेटली, थर्ड थिंग इज जाइलम
ठीक है, और इसको बोलते हैं वुड फाइबर, जाइलम फाइबर को क्या कहते हैं हम लोग, वुड फाइबर या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं, वुड फाइबर, ठीक है ठीक है। एंड देखो ये बहुत ही ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को डेफिनेटली ये स्क्लेरेन्काइमा है यार, रोज कुछ नहीं है, बिल्कुल स्क्लेरेन्काइमा। और जो भी स्क्लेरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक है वही इसके कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये फाइबर है, दिस आर द स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, है ना। तो जो भी बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली ये भी डेड है यार, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है, ठीक है। देखो अब ये ऑब्वियसली सेप्टेट या असेप्टेट होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, सेप्टेट और असेप्टेट। हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे एक्चुअली स्क्लेरेन्काइमा को मल्टी सेलुलर दिखाने की कोशिश करती है। सेप्टेट मतलब बीच में एक आधा सेपरेशन होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। इसका एक्चुअली सपोर्ट है यार, और कुछ नहीं है। काम क्या करेगा ये, फंक्शन क्या है बच्चों, ऑब्वियसली फंक्शन है इसका मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये है थर्ड एलिमेंट। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक जो भी हमने स्क्लेरेन्काइमा के फाइबर के पढ़े हैं वही बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फोर्थ इज व्हाट द जाइलम और वुड पेरेन्काइमा। देखो मैं बार बार वुड ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है। जब मैं फ्लोएम के बारे में लिखूंगा तो वुड ये वर्ड यूज नहीं करता है ना, वी डोंट यूज द वर्ड वुड, ठीक है। अब यार देखो ये एकमात्र ऐसा लिविंग सेल है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली बेटा इसमें है पेरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, सॉरी पेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है ना, इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, थिन वॉल्ड है, ठीक है, और डेफिनेटली वो सारे प्रॉपर्टीज पेरेन्काइमा के इसमें प्रेजेंट है, जो भी हमने पेरेन्काइमा पढ़ा, थिन सेल वॉल है, सेलुलोसिस है ना। बट इसका मेन फंक्शन क्या है, ठीक है, मेन फंक्शन है ऑब्वियसली बेटा स्टोरेज, ठीक है, फूड एंड मटेरियल, जो भी फूड और मटेरियल आता है बेटा है ना, ये स्टोर करके रखेगा, करेक्ट है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, ठीक है, बाकी भी चीजें जमा करते हैं। देखो दे कैन स्टोर स्टार्च, फैट और टैनिंस, टैनिंस जानते हो, टैनिंस, गम्स, रेजिन्स, ये सब कहाँ स्टोर होगा, जाइलम में होता है, वुड में बेटा आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ऑल दीज आर एक्चुअली स्टोर्ड इन केस ऑफ व्हाट दिस पेरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग, जैसे मैंने आपको ये बताया था रेडियल कंडक्शन, मतलब आजू बाजू में जो भी है ना वाटर और मिनरल को पहुंचाना है, रेडियल कंडक्शन। देखो ऊपर ऊपर तो जाइलम लेके चला जा रहा है, बट रेडियल कंडक्शन ये मेन जो ये जो काम होता है तो स्लोली होगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली परफॉर्म बाय द पेरेन्काइमेटस सेल्स, रेडियल कंडक्शन ये जो है ये भी फंक्शन जो है पेरेन्काइमा सेल्स करते हैं, मतलब आजू बाजू में वाटर का सप्लाई करना, ठीक है। नाउ देखो अगर मैं आपसे ये पूछू ये सारे डेड है ना यार, कौन, वेसल्स, ट्रकेट्स, स्क्लेरेन्काइमा, फिर ये बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म, कैन यू टेल मी, ये जाइलम के एलिमेंट्स बनते कैसे हैं, क्योंकि सभी डेड है। अब यार डेड सेल तो डिवाइड होंगे नहीं, डेड सेल तो कुछ बनाएंगे नहीं, तो फिर ये सारे एलिमेंट्स आते कहां से, ऑब्वियसली बेटा इन सबका जनरेटर कौन है, पेरेन्काइमा, बिकॉज इट इज द ओनली लिविंग सेल देयर, यस और नो। So all these tracheids, vessels and fibers are modified parenchyma cells. Yes or no? Modified and dead. बराबर? Yes or no? Yes sir. है ना, ये तो क्लियरली समझ में आना चाहिए। मतलब देखो सबसे पहले कौन सा यहाँ पे टिश्यू बनता होगा, ऑब्वियसली parenchyma. Parenchyma है ना, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि पेरेन्काइमा इज जनरेटर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स, ठीक है।
जितने भी एलिमेंट्स है बेटा सबका जनरेटर ये है, पैरेन्काइमा इज द जनरेटर ऑफ ऑल अदर एलिमेंट, जितने भी आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब देखो, जो भी जाइलम के टिश्यू पहले बनेंगे, मतलब जो प्लांट बहुत छोटा होता है ना, बहुत ही छोटा सा, अभी अभी पैदा हुआ है, एम्ब्रियो से बना हुआ है, छोटा सा प्लूमुल निकला बाहर, ठीक है, जाके देखता है जमीन के इधर उधर, एयर लेता है, ब्रीदिंग करता है, ठीक है, बहुत छोटा सा है। तब उसके अंदर जो जाइलम है, जब वो पहली बार जाइलम बना रहा है, ऑब्वियसली उसको मैं प्राइमरी जाइलम कहूंगा, है ना, प्राइमरी जाइलम पहली बार बन रहा है ना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, करेक्ट है, तो बेटा उसको मैं प्राइमरी जाइलम कहता हूं। बट ये जो प्राइमरी जाइलम बनता है ना, जो भी प्राइमरी जाइलम है ना, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी जाइलम। फर्स्ट फॉर्म जाइलम इज द प्राइमरी जाइलम एंड it has two types, ठीक है। देखो प्राइमरी जाइलम को हम लोग दो डिफरेंट टाइप्स में देख सकते हैं, ठीक है। पहला टाइप है, एक तो होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा प्रोटोजाइलम, और जो दूसरा टाइप है बेटा उसे हम लोग कहते हैं मेटाजाइलम। सो दीज आर द टू, है ना, प्रोटोजाइलम एज वेल एज व्हाट द मेटाजाइलम। तो जब भी आप कभी भी वुड को देखोगे, वुड में आपको दो प्रकार के वेसल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे वेसल्स जो बहुत छोटे छोटे हैं, उनके ल्यूमेंस बहुत छोटे छोटे हैं, अभी अभी बने हैं, है ना, बहुत छोटे हैं। बट आपको ऐसे भी वेसल्स दिखाई देंगे जो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो क्या आपको लगता है छोटे वाले वेसल्स क्या होंगे बेटा? प्रोटोजाइलम। और बड़े बड़े वेसल्स क्या होंगे बेटा? मेटाजाइलम। बट ये पहली बार ही बने हैं तो प्राइमरी जाइलम के ही पार्ट है। तो देखो हम लोग, है ना, दो प्रकार के वुड के बारे में पढ़ेंगे। वुड मतलब, है ना, जाइलम। एक को हम लोग बोलेंगे अर्ली वुड, दूसरे को बोलते हैं लेट वुड, दैट विल स्टडी इन लेटर ऑन सेकेंडरी ग्रोथ में पढ़ेंगे। तो अर्ली वुड, लेट वुड जब भी बनता है उसमें भी बेटा आपको ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम ऐसी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है। देखो तो जो पहले बनेगा उसे मैं प्रोटोजाइलम कहूंगा, जो बाद में बनते हैं उनको मैं क्या कहता हूं? मेटाजाइलम कहता हूं, ठीक है? That's it. That is very simple, ठीक है? First formed, मतलब अर्ली, है ना? And a first formed small vessels are called protozoan. ठीक, yes, है ना? उसके बाद later formed primary xylem with large vessels, ठीक है, are called metaxylem। मतलब वुड में दो प्रकार के xylem आपको देखने को मिल सकते हैं। one is called as what the protoxylem, another one is called as what the metaxylem, ठीक है। देखो अगर मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखाया, देखो ये है वैस्कुलर बंडल, मैंने बोला देखो ये पूरा जाइलम का बंडल है, और मैंने दिखाया यहाँ पे एकदम छोटे 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 छोटे, ऐसे देखो कितने छोटे छोटे मैंने वेसल्स बनाए हैं, ऑल दी वेसल्स, है ना, क्योंकि ट्रकिट्स का इतना कोई है नहीं, है ना, दिखाई नहीं देंगे आपको प्रॉपरली। बट यहाँ देखोगे तो आपको दिखाई देगा, ये देखो ये बहुत बड़े वेसल्स मैंने बनाना शुरू कर दिया, दिख रहा है आपको, है ना। So they are very large, you know, and occupying the very large space here. Obviously, बेटा ये वाला जो portion है, इसको मैं क्या बोलूँगा? Metaxylem, और ये जो portion है, इनको मैं क्या कहता हूँ?
प्रोटोजाइलम, पक्का? ठीक है, क्योंकि इनकी ल्यूमेन जो है बेटा वो बहुत बड़े बड़े ल्यूमेन आपको देखने को मिल रहे हैं, यू कैन सी देम वेरी केयरफुली। ठीक है, तो बड़े बड़े ल्यूमेन जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वेसल्स के, सारे वेसल्स है, बड़े ऊपर भी वेसल है नीचे भी वेसल्स ही है, ठीक है, हम ट्रकिड्स को नहीं देख रहे यहाँ पे। सो तो हम लोग जब भी रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी से मैं पॉइंट बता के रखता हूँ, जब हम लोग रूट्स के डायग्राम ड्रॉ करेंगे स्टील का, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि प्रोटोप्लाज्म लाइज टूवर्ड द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड द सेंटर, ये मैं बात बोलूंगा। ठीक है, सच अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एज एक्सार्च, उसको हम लोग एक्सार्च कहते हैं, अगर है ना मतलब बाहर की तरफ वो पॉइंट कर रहा है तो एक्सार्च, और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ पिथ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसे हम लोग एंडार्च कहते हैं। बट ये पॉइंट्स हम लोग डेफिनेटली बेटा बाद में देखेंगे, ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल इसके बारे में बात नहीं करते हैं। एक तो मिजार्च नाम का भी पॉइंट आएगा, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बट ओवरऑल हम लोगों ने जाइलम के बारे में सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली है। ठीक है, बिल्कुल है ना, मैं जाइलम के बारे में बहुत सारी चीजें जानता हूँ, अभी अगर हमने अपनी पढ़ा है तो ऑब्वियसली, अगर हम बेटा हमने एक पॉइंट यहाँ पे स्किप किया है, वो था बेटा कि थिकनिंग के टाइप, थिकनिंग जो एन्युलर होता है, स्पाइरल होता है, बट ठीक है, अगर रिक्वायर्ड रहा तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे इन रिविजन। ठीक है, सो नाउ नोटिस करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे हमारा जो दूसरा हेडिंग होगा, मतलब दूसरा जो एलिमेंट है, वो डेफिनेटली बेटा हमारा दूसरा जो एलिमेंट है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब है ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू, वो है फ्लोएम। सो वी विल स्टडी अबाउट द फ्लोएम। ठीक है, अब जो फ्लोएम है उसमें भी चार एलिमेंट्स होते हैं यार, है ना, ऑल्सो इट ऑल्सो हैज द फोर एलिमेंट्स, फ्लोएम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द बर्थ। सबसे पहला पॉइंट, इसको वुड नहीं कहते, इसे कहते हैं बास्ट, ये पहला पॉइंट है। जाइलम को वुड कहते हैं, बट है ना फ्लोएम को क्या कहते हैं बेटा, फ्लोएम इज ए बास्ट। ठीक है, बास्ट, व्हाट इज दिस वर्ड, बास्ट, जस्ट बास्ट, आगे का मत बोलो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फ्लोएम, फ्लोएम इज कॉल्ड एज द बास्ट। मतलब देखो, अगर मैं बास्ट फाइबर ये वर्ड यूज करूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, हाँ सर, अच्छा अच्छा, वुड फाइबर, बास्ट फाइबर, तो बास्ट फाइबर ये वर्ड यूज करूंगा तो आप, हाँ सर, फ्लोएम का फाइबर है, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा के बारे में है ना ये चीज हमको देखने को मिली। ये देखो, ये दोनों टर्म है ना एक्चुअली, फ्लोएम जाइलम, ये टर्म नागेली जो है, नागेली, अभी तीसरी बार नागेली का नाम आ रहा है, नागेली भाई साहब ने ये टर्म दिए हैं, जाइलम, फ्लोएम, ये सब। ठीक है, सेलर है ना, अपाइकल सेल थ्योरी भी उन्होंने दी थी, सिंगल सेल से सब बन जाता है, ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, नागेली। ठीक है, तो नागेली भाई साहब ने ये दोनों नाम दिए थे, अदरवाइज इनको हम लोग वुड या बास्ट ऐसा हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक आपको टर्म बताया था हेड्रोम, हेड्रोम ये वर्ड हैबरलैंड ने बताया था, हेड्रोम ने, हेड्रोम जाइलम को हेड्रोम कहता था, हेड्रोम। ठीक है, वैसे ही बेटा फ्लोएम को उसने लेप्टोम कहा, क्या कहते हैं फ्लोएम को, लेप्टोम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाइलम लिखूंगा, यहाँ पे वुड लिखूंगा, यहाँ पे हेड्रोम लिखूंगा, ठीक है, तो जाइलम है ना, जाइलम ये वर्ड नागेली ने दिया है ना, वुड ये टेक्निकल टर्म है, और हेड्रोम ये हैबरलैंड ने दिया था, वैसा ही फ्लोएम नागेली ने दिया हुआ नाम है। बास्ट इज अ टेक्निकल टर्म एंड लेप्टोम ये जो है बेटा ये हैबरलैंड ने दिया हुआ है। सो बाकी सारी चीजें जो है, इसके चार एलिमेंट्स वगैरह जो है, उनके बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी शुरू भी करेंगे तो है ना तो खत्म होगा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं तो फिर हम लोग एग्जैक्टली जो टिश्यूज होते हैं उनके अरेंजमेंट कैसे है, प्लांट, प्लांट का अगर हम सेक्शन लेके देखेंगे तो उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, अंदर कॉर्टेक्स, उसके भी अंदर वैस्कुलर टिश्यू, और वैस्कुलर टिश्यू के जो सिंपल टाइप हमारे एनसीआर में दिए गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, स्टील के टाइप जो होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है इन आर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं पे बेटा हम लोग रोकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू। तो आज भी मैं ये नोट्स नहीं भेजूंगा क्योंकि इसमें भी फ्लोएम ऐड करने का है। ठीक है, जैसे फ्लोएम ऐड हो जाएगा आई विल सेंड, करेक्ट? ओके, थैंक यू।